डालता रहा डालता रहा, हत्ता कि वो बच्ची जिंदा दफन हो गई, उसकी आवाज आना बंद हो गई। जब मैंने उसको जमीन में दफन कर लिया तो मैं वापस घर आ गया और बीवी को बता दिया, तो बीवी क्या कह सकती थी, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जिंदगी का वक्त वो भी था कि मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटी को दफन किया, फिर आप तशरीफ लाए और आपने आकर हमें इंसानियत सिखाई, दीन सिखाया, और आपने हमें छोटे बच्चों के साथ मोहब्बत और प्यार से रहना सिखाया। अब ये बेटी जो मैंने उठाई हुई है, ये मेरे भाई की बेटी है, मेरी अपनी नहीं, लेकिन अब हमारे दिलों में छोटे बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत है कि मैं अपने भाई की बेटी को भी उठाता हूं और उससे प्यार का इजहार करता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि बेटी का वजूद अल्लाह की रहमत होती है। आम तौर पर लोगों को देखा कि बेटे की पैदाइश पर खुशी का इजहार करते हैं और बेटी की पैदाइश पर उनके चेहरों पर स्याही आ जाती है, हालांकि मामला ऐसा नहीं है। यह जरूर है कि बेटे की पैदाइश पर मां बाप को सिक्योरिटी ज्यादा फील होती है कि एक लड़का पैदा हो गया, ये बड़ा होगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, कमाएगा, और घर के लोगों के लिए सपोर्ट का काम भी करेगा और उनकी हिफाजत भी करेगा। बेटी पैदा होती है तो आमतौर पर यही समझा जाता है कि पहले तो ये बच्ची होने की वजह से बिजनेस नहीं कर सकती, और अगर करे भी सही तो इसकी सिक्योरिटी का सारी जिंदगी मर्दों को ही ख्याल रखना पड़ेगा। फिर बेटे के पैदा होने से इंसान की नस्ल आगे चलती है, उसका नाम आगे चलता है, और बेटी तो किसी दूसरे के घर की जीनत जाके बनती है, इसलिए लोग बेटे की पैदाइश पे ज्यादा खुश होते हैं, बेटी की पैदाइश पे कम खुश होते हैं। हकीकत यह है कि जिस तरह बेटे की पैदाइश पे खुशी का इजहार करना चाहिए, बेटी के पैदाइश पे भी खुशी का इसी तरह इजहार करना चाहिए। हमारी शरीयत इतनी खूबसूरत है कि हुक्म दिया कि जब किसी के यहां बेटी पैदा हो तो वो सातवें दिन उसका अकीका करे। अकीका का क्या मतलब, कि जानवर एक कुर्बान करे, खाना बनाए और करीबी दोस्तों को रिश्तेदारों को बुलाए, और ये इजहार है अल्लाह के हां शुक्र का कि अल्लाह आपने हमें एक नेमत से नवाजा है। और अगर किसी के यहां बेटा हो तो वो दो बकरे कुर्बान करे, क्योंकि अब उसके नाम भी आगे चलेगा, नस्ल भी आगे चलेगी, तो ज्यादा शुक्र का इजहार करना चाहिए। यानी खुशी का इजहार तो गोया दोनों की विलादत पे हुआ, बेटी पे भी और बेटे पे भी। इसीलिए जो नेक बाप होते हैं वो अपनी बेटियों को हमेशा बहुत मोहब्बत प्यार से पालते हैं, उनकी तालीम का ख्याल करते हैं, उनकी अच्छी तरबियत करते हैं, उनको आदाब सिखाते हैं। इसीलिए बेटी के अंदर चंद सिफात का होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली सिफत उसके अंदर हया और पाकदामनी का होना। शरीयत ने कहा कि अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है, लिहाजा दीन इस्लाम ने हया को बहुत पसंद किया है। हया से मुराद ये कि सिफत ऐसी होनी चाहिए बच्ची के अंदर कि वो गैर महरम मर्द के साथ इंटरैक्ट न करे, और अगर करना भी पड़े तो उसकी निगाहें झुकी हुई हों और उसके अंदर एक शर्म हो। ये हया एक इनविजिबल लिबास है, जैसे किसी के जिस्म पर लिबास हो तो वो दूसरे से प्रोटेक्टेड होता है,
ये हया भी एक इनविजिबल लिबास है, नजर नहीं आता, मगर हया की वजह से औरत गैर मर्द से प्रोटेक्टेड होती है, महफूज होती है। इसलिए बच्चियों को हया की तालीम देनी चाहिए। आजकल कुफर के मुआशरे में हया को एक बीमारी समझा जाता है कि शाइनेस इज ए सिकनेस। कुफर के माहौल में लड़की को कहा जाता है कि तुम गैर मर्द से बात करो तो आई कंटेक्ट करो उसके साथ, जो इंतहाई बुरी बात है। इसी की वजह से फिर लड़की के अंदर शर्म हया तो खत्म ही हो जाती है, और फिर किरदार की वो सब खराबियां जो आती हैं वो उस लड़की में आ जाती हैं। मर्द बिगड़ता है तो थोड़ा बिगाड़ होता है, औरत बिगड़ती है तो ज्यादा बिगाड़ होता है। चुनांचे जिस बच्ची के अंदर शर्म हया ना हो वो अकेली नहीं बिगड़ती, वो अपने साथ फिर दर्जनों मर्दों की जिंदगी भी बिगाड़ती है। कुरान मजीद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों का तज़किरा है। शुएब अलैहिस्सलाम जरा बूढ़े हो गए थे, उनका बेटा नहीं था, उनकी बेटियां थीं। तो जब घर में बेटा ना हो तो काम बेटियों को संभालने होते हैं। चुनाचे उनकी बेटियां अपनी बकरियों को चराने के लिए लाती थीं और कुएं पर उनको पानी पिला के वापस ले जाती थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदीन पहुंचे तो उन्होंने कबीले के लोगों को देखा, बस्ती के लोगों को, कि उन्होंने बकरियों को पानी पिलाया और फिर उसके कुएं के ऊपर एक पत्थर की चट्टान रख दी ताकि कोई और इस पानी को इस्तेमाल न कर सके। वो दो बच्चियां जब अपनी बकरियों को लेकर आईं तो उनके अंदर तो इतनी ताकत नहीं थी कि वो चट्टान को हटा सकें और बकरियों को पानी पिला सकें। तो जो कुछ बचा खुचा पानी था उन्होंने अपनी बकरियों को पिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो उन्होंने उस चट्टान को अकेले हटा दिया और उन बच्चियों के लिए बकरियों को पानी पिला दिया। बच्चियां घर गईं और उन्होंने अपने वालिद को जाके ये बात सुनाई तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक बेटी को भेजा कि जाओ उस आदमी को बुला के लाओ। कुरान पाक में है वजाअत इहदाहुमा तमशी अलस्तिहया, उनमें से एक जो बच्ची थी वो आई और बड़ी बाहया बन के वो चल रही थी, यानी उसके चलने से भी हया जाहिर होता था, ऐसी वो बाहया लड़की थी, बेटी थी। तो मालूम हुआ कि ये हया की सिफत अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है। चुनाचे जिसके यहां बेटी हो उनको चाहिए कि सबसे पहली चीज उस बच्ची को समझाएं कि बेटियों के अंदर हया ज्यादा होनी चाहिए और उनको पाकदामनी की जिंदगी की तरगीब देनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो खातून जन्नत बनी, उनके अंदर इतनी हया थी। एक मरतबा नबी इस्लाम ने सहाबा से पूछा कि बेहतरीन औरत कौन है, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। हजरत अली लानो किसी काम के लिए उठकर घर आए और उन्होंने आकर यही क्वेश्चन सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़िया से पूछा कि बेहतरीन औरत कौन सी है। उन्होंने जवाब में फरमाया कि जो ना खुद किसी गैर महरम मर्द को देखे और ना कोई गैर महरम मर्द उसको देख सके, वो सबसे बेहतरीन औरत है। हजरत अली लानो ने वापस आकर नबी अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया तो नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर पूछा अली आपको ये बात किसने बताई, उन्होंने बताया कि मैंने फातिमा से ये बात पूछी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो मेरे दिल का टुकड़ा है। इसलिए जब सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह की वफात होने लगी तो उन्होंने वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा दिन की रोशनी में न निकाला जाए,
इसलिए कि अगर ये मैयत कफन में लिपटा हुआ होता है मगर रोशनी की वजह से उसकी जसामत का अंदाजा होता है, कद छोटा है, कद लंबा है, जिसम मोटा है, जिसम पतला है, ये अंदाजा हो जाता है। तो वो फरमाने लगी कि मैं इस चीज को भी पसंद नहीं करती कि मेरे मरने के बाद मेरी जसामत के बारे में कुछ अंदाजा किसी गैर मर्द को हो, इसलिए रात को मेरा जनाजा निकाला जाए। सईद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा सईना सिद्दीक अकबर लाना की लाडली बेटी थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ऐसी हया दी थी, उनकी पाकीजगी का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगाएं कि उनका निकाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और अल्लाह फरमाते हैं अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन के पाकीजा मर्दों के लिए पाकीजा औरतें। तो सईदा शरीक लन्हा की पाकीजगी का अंदाजा लगाना हो तो नबी इस्लाम की पाकीजगी का तसव्वुर कीजिए। चुनाचे एक ऐसा वक्त भी आया कि जब कुफार ने मुनाफिकीन ने सईदा शरीक लन्हा पर बुहतान लगाने की कोशिश की मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में उनकी पाकदामनी की गवाही दी। सईदना यूसुफ अलैहि सलाम पर बोहतान लगा, अल्लाह ने बच्चे से गवाही दिलवाई। बीबी मरियम पर बोहतान लगा, अल्लाह ने छोटे बच्चे से गवाही दिलवाई। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम की रफीके हयात पर बोहतान लगा तो अल्लाह ने किसी मखलूक से गवाही नहीं दिलवाई बल्कि अल्लाह ने वही के जरिए खुद गवाही अता फरमाई। बीबी मरियम के बारे में कुरान मजीद में है कि जब वो जवान उम्र हो गई तो घर में जिंदगी गुजार रही थी, चुनाचे उन्होंने गुसल करना था तो घर के मशरकी जानेब उन्होंने पानी का इंतजाम किया कि गुसल कर सकें। उस वक्त जब वो पर्दे के अंदर थी अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा एक भरपूर मर्द की शक्ल में। जब बीबी मरियम ने अचानक एक मर्द को देखा तो कौलत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तकिया कि मैं तो अल्लाह की फना मांगती हूं। बीबी मरियम कोई आज के दौर की बिगड़ी हुई बेगम नहीं थी कि गैर महरम मर्द को देखती तो मुस्कुराहट से इस्तकबाल करती, वो पाकीजा जिंदगी गुजारने वाली थी, पाक दामन थी। चुनाचे वो घबरा गई कि ऐसे वक्त में एक गैर मर्द कहां आ गया। जिब्रील इस्लाम ने जब देखा कि बीबी मरियम घबरा गई हैं तो उन्होंने कहा कि इन्नमा अन रसूल रब्बिक कि मैं तुम्हारे रब का नुमाइंदा हूं, ले आहा बलकी गुलामन जकिया ताकि तुम्हें नेक बेटा मिले। अब बीबी मरियम मुतमैन होने की बजाय और घबरा गई, यानी घबराहट बढ़ गई।